हेलो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप देख रहे हैं जैसे कि आपकी छत पे जो अगर आरबी की स्लेब है, अगर छत हमारी वॉल जो है इसके ग्राउंड फ्लोर पे दूसरी वॉल आ रही है और फर्स्ट फ्लोर पे दूसरी वॉल पड़ रही है, तो उस रीज़न में हम क्या कर सकते हैं। जितनी भी हमारी लाइट की जो पोर्शन होती है, यानी कि 1 इंची या 1.5 इंची जो लाइट पड़ती है स्लेब पे, उस लाइट को काट करके जैसे एक फ्लोर बनाना है तो आपका 12 mm की सरिया पड़ जाएगी। तो अगर दो फ्लोर बनवाना है यानी लमसम 3 से 4 फ्लोर बनवाना है तो आपके 16 mm की चार सरिया या दो सरिया लमसम वो भी डाल सकते हो। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह की लेआउट प्लान इस पे करके एंड जो भी है इसकी कटिंग करके और फिर घोला मार के इसकी ढलैया कर दी जाती है, जो कि 3 इंची अप्रॉक्स होती है। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं पूरी इस कंस्ट्रक्शन की पूरी बेस से जीरो से लेके और स्ट्रक्चर विद फिनिशिंग के बारे में आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर फ्रेंड आप लोग जानना चाहते हैं कि इस मकान को बनाने में लगभग कितना खर्चा आता है या फिर कितना खर्चा आएगा, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं इस पर पूरी डिटेल वीडियो बना देता हूँ और कैसे मैंने इसको अप्रोच किया था, इसको कितने रुपये पर स्क्वायर फीट मैंने लिया है। और अगर इस पे पूरी डिटेल वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट में बता सकते हैं। और थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो। थैंक यू।